स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिंस में आई यू पी ए सी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिंस। तो आइए बेटा देखते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिंस को। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिंस को हमने पढ़ना है। IUPAC अगर हम करेंगे, IUPAC का अपना एक छोटा सा रूल है भाई, वो मैंने आपको बताया भी था पहले, अभी मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहले क्या करना है आपने, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रीफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स सबसे पहले प्रीफिक्स चेक करेंगे। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, फिर हम लेंगे प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और फिर हम लेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ओके बेटा, सेकेंडरी सफिक्स हम लेंगे। अब इसमें एक्चुअली हम अगर देखें तो प्रोसेस है क्या। देखिए प्रीफिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्रीफिक्स में आपके कौन कौन से आते हैं, एफ टी एल बी आर आई, ठीक है, एनओ टू सी एच थ्री टी टू एच फाइव टी टी सी, ये सारे कुछ मैंने प्रीफिक्स लिखे हैं। अभी वर्ड रूट की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। सच है वन होगा तो मैथ, मैथ एथ प्रॉप ईटीसी। ठीक है, अब जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है, अगर मैं अपने प्राइमरी सफिक्स की बात करता हूं तो प्राइमरी सफिक्स में बच्चे लोग क्या देखेंगे, प्राइमरी सफिक्स में आप देखेंगे एन, या तो सी सिंगल बॉन्ड सी होगा, प्राइमरी सफिक्स में आप देखेंगे सी डुअल बॉन्ड सी, इसको आप प्रॉपरली बोलेंगे इन, इसमें आप देखेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी आइन। तो ये हमारे प्राइमरी सफिक्स हो गए। सेकेंडरी सफिक्स जो हमारे हैं बेटा, इसमें प्रॉपरली हमारे वर्क करेंगे फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन अमाइड ईटीसी। ठीक है, तो IUPAC का अपना ये फंडा है। प्रीफिक्स ले लिए हमने, प्रीफिक्स भी वैसे टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स यहां पर। ठीक है, पर मैंने अभी नॉर्मल लिए हेलो एल्केन हेलो एरिंस के रिगार्डिंग। ठीक है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन हो गया, प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, जरा चेक कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन करेंगे यूज, डुअल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करेंगे। ठीक है, एन इन आइन। जब बात सेकेंडरी सफिक्स की आएगी तो यहां फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइड, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, देख लीजिए हेलो एल्केन हेलो एरिंस में जब हम चलेंगे तो हम क्या कर दें, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करो इसका IUPAC के लिए आ गया कि भाई राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, एक ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो अभी इसमें तो मुझे एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, ज्यादा कार्बन दिख ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वन, ठीक, वन कार्बन वन हो गया। अब हम इसमें एक्चुअली में देख क्या रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि कोई प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स इसमें कौन दिख रहा है, साफ साफ प्रीफिक्स दिख रहा है,
कौन? क्लोरो। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद क्या देख रहे हैं? वर्ड रूट, एक ही कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स एनी मानेंगे, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें, तो क्या करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स वो फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपको बताया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह, है ना। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग पहले मेरे को लिखना पड़ेगा क्लोरो। वर्ड रूट वन कार्बन है तो क्या आएगा? मैथ एन। अब मुझे बस ये बता देना है कि इस क्लोरो का नंबर क्या है, वो मेरे को बताना है। वन क्लोरो, एग्जाम्पल टू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जरा, सी एच थ्री, सी एच टू, बी आर, इसका यूपीएसी नेम लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, वन टू वन टू। मैंने जो चेन सिलेक्ट की है उसमें टू कार्बन प्रेजेंट हैं और एक उसमें प्रीफिक्स आ रहा है, और प्रीफिक्स कौन है भाई? वो प्रीफिक्स है बी आर। बी आर को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोमो। कार्बन कितने आ रहे हैं? टू कार्बन आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? एथेन। लेकिन अब बताना ये पड़ेगा ना कि ब्रोमीन का पोजीशन क्या है, उस पेरेंट चेन में ब्रोमीन की पोजीशन क्या है। तो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्रोमीन की पोजीशन है कार्बन नंबर टू पर, और बैकवर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ब्रोमीन की पोजीशन है नंबर वन पर, और हम लेते हैं लोएस्ट नंबर। अपने प्रीफिक्स का अगर देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्रुप अगर नहीं है और प्रीफिक्स ही बस प्रेजेंट है, तो हम प्रीफिक्स का लोएस्ट नंबर देखेंगे बेटा। तो लोएस्ट नंबर मेरे को मिल रहा है ये, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसमें? वन ब्रोमो इथेन। नहीं समझ में आया, और लेते हैं एग्जांपल। देखिए जरा, जैसे ये आ गया सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, बी आर, इसका यूपीएसी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई इसका यूपीएसी नेम? देखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री। मैंने एक चेन सेलेक्ट की है जिसमें थ्री कार्बन है, और मैंने देखा उसमें कोई डुअल बॉन्ड भी नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, कोई एल्कोहल एल्डिहाइड वगैरह भी नहीं है। हाँ, प्रेजेंट है तो कौन? एक प्रीफिक्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो, ठीक है। और थ्री कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? प्रोप, बाद में आ जाएगा एन, थ्री ब्रोमो प्रोपेन। अब क्या देखना होता है? अब देखना होता है अपने प्रीफिक्स का स्मॉलेस्ट नंबर। पेरेंट चेन में पोजीशन चेक करते हैं, इधर वन है, इधर कितनी है? टू। तो लोएस्ट पोजीशन कौन सी मिल रही है इसकी? वन मिल रही है, तो लिख देंगे वन ब्रोमो प्रोपेन। आगे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए जरा, अब एग्जांपल ये लेते हैं, सी एच थ्री, सी एच, बी आर, सी एच थ्री, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना, हमने बस पोजीशन क्रिएट करनी है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। हमने देखा डुअल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन हाँ ब्रोमो है, तो ब्रोमो लिख देते हैं, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ओके, ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन मैंने क्या देखा कि ब्रोमो की पोजीशन बतानी पड़ेगी, ब्रोमो की पोजीशन फॉरवर्ड में भी टू है और बैकवर्ड में भी टू है, तो हम लिख देंगे टू ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है बच्चों। अब हम एग्जांपल फाइव की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ये ब्रोमो प्रोपेन, ये भी है ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एग्जांपल थर्ड में ब्रोमीन वन पोजीशन पर आ रहा है और फोर्थ एग्जांपल में ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। सी एच थ्री, सी एच, बी आर, सी एच टू, सी एच थ्री। अब इसका यूपीएसी लिखना है भाई, तो कैसे लिखेंगे इसका यूपीएसी? चेक कर लेते हैं जरा जी, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ना डुअल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, हमें मिल रहा है हमारा प्रीफिक्स, तो लिख देंगे ब्रोमो। फोर कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट एन, ठीक है।
अब ब्रोमो चेक करेंगे, ब्रोमो की पोजीशन ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 3। अब लोवेस्ट पोजीशन कौन सी मिल रही है, छोटी पोजीशन मिल रही है 2, तो वी यूज 2-bromo-butane, 2-bromo-butane, ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? देखिए जरा एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं, सिक्स एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो बेटा अगर ये पोजीशन हमें मिल जाती है, ठीक है, और वो कहता है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमने क्या करना है बेटा, पहले इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंपल सा बना ले। ये हो गया हमारा ओके, सॉरी दोबारा देखते हैं, CH, CH2, CL। हमने क्या ऑब्जर्व किया है, CH3 होल ट्वाइस CH, इसका मतलब समझ रहे हो ना, जब भी आपको ये मिल रहा है जरा देखने की कोशिश करो, देखो ये मिल रहा है CH3 होल ट्वाइस CH, इसका मतलब है कि ये दोनों CH3 इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की जिस पर मैंने स्टार बनाया है, इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी से अटैच है। तो उसको एक ऐसे कर देते हैं बेटा और एक को ऐसे कर देते, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फिर से वही अपना लॉन्गेस्ट चेन रूल, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब हमें 3 कार्बन मिले, लेकिन अब की बार सोचने वाली बात यह है कि अब की बार मेरे बच्चों को मिला क्या है, चेक कीजिए, क्लोरो मिथाइल। और अब की बार इस एग्जाम्पल में 2 प्रीफिक्स आ चुके हैं बेटा, मिथाइल भी आ रहा है और क्लोरो भी आ रहा है। तो अब क्या करेंगे जब मेरे बच्चे ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि क्लोरो भी हो मिथाइल भी हो, और मैं तो कहता हूं और भी बहुत सारे प्रीफिक्स अगर एक साथ आ जाएं, तो उस सिचुएशन में आपने कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है बिल्कुल। आपने क्या करना है, अल्फाबेटिकली ABCD के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको लिखते हैं, और जो पोजिशन चेक करेंगे हम, जो पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, वो भी अपने प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग, वो प्रीफिक्स जो अल्फाबेट पर पहले हमें मिलेगा। जरा चेक करेंगे, क्लोरो स्टार्ट होता है सी से, इसको बोलेंगे क्लोरो, मिथाइल होता है एम से स्टार्ट। तो ए बी सी डी को पढ़ लेते हैं, पहले क्लोरो आएगा तो प्रायोरिटी क्लोरो को ही दे देते हैं। तो देख लीजिए जरा, हम क्लोरो को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो ये वाली पोजिशन ठीक हो गई हमारी, ठीक है। हम लिखेंगे 1-क्लोरो, और याद रखना जब भी आप नेमिंग करेंगे तो नंबर और इनके बीच में डैश लगाना पड़ेगा, 1-क्लोरो-2-मिथाइल, और 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो आ जाएगा प्रोपेन, ठीक है बच्चों, 1-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन, ये इसका यूपीएसी नेम होगा। फिर चेक कर लेते हैं कोई और एग्जांपल, देखिए यहां CH3 ले लेते हैं, यहां पर BR ले लेते हैं, और ये CH3 ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करना भैया, अब नंबरिंग करनी है ऐसे ही, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबरिंग करने के बाद इस मिथाइल पर हमने नंबर तो डाला नहीं है, तो ये प्रीफिक्स है, मिथाइल है, ये हो गया बीआर ब्रोमो। अब तुम ये मत सोचने लगना कि ये CH3 भी मिथाइल है, ये CH3 भी मिथाइल है। जब आप इसको मिथाइल कह रहे हो सर, तो सर फिर तो ये दोनों भी मिथाइल है। अरे वो पेरेंट चेन में कैलकुलेट हो चुके हैं, ये वो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा जो पेरेंट चेन से बिल्कुल बाहर है, इस पर नंबरिंग नहीं किए हैं हमने, तो ये CH3 मिथाइल बोला जाएगा, प्रीफिक्स में आप काउंट करेंगे हम। तो आइए जरा ध्यान दीजिए, तो पहले वही सबको पता है, समझ गए ना क्या, पहले लिखेंगे ब्रोमो को ब्रोमो, फिर लिखेंगे मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब हमें पोजीशन देखनी है कि पोजीशन मिथाइल के अकॉर्डिंग या ब्रोमो के अकॉर्डिंग, तो किसके अकॉर्डिंग भैया, ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, 2-bromo-3-methyl। अब ये मत कहना कि 2-bromo-2-methyl, कि वो 2 पर भी आ रहा है,
चेन तो भैया एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड वाली जो आपने देखी है। तो मैं तो ब्रोमो के अकॉर्डिंग जो चेन सिलेक्ट कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम बनाऊंगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। बहुत एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, देखिए जरा अगर ये एग्जांपल ये आ जाता है, जैसे ये आ गया, ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी लिखना है, अब इसका आईयूपीएसी लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपने ये लिख लिए, आपने क्या देखा इस पर कोई नंबरिंग नहीं हुई। हाँ ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसे आ जाए 1 2 3 4, आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो फिर ये मिथाइल हो जाएगा, है ना भाई, पेरेंट चेन से अगर छूटेगा तो फिर ये मिथाइल हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, ब्रोमो ब्रोमो, फिर कौन आ रहा है, मिथाइल ब्रोमो मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या लेंगे, ब्यूटेन। अब बात वही, चेन सिलेक्ट करो भैया, ब्रोमो ने करा दी ये वाली, 2 ब्रोमो - 2 मिथाइल ब्यूटेन, आया समझ में कुछ, ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में बच्चों, नहीं आ रहा है चलो फिर देख लेते हैं, नहीं आ रहा है तो और देखते हैं। देख लिया एक बार फिर चलते हैं, चलो हम आगे, अभी अब एग्जांपल ले लेते हैं हम 9 जी, देखिए यहां सीएल आ गया, यहां CH3 आ गया, यहां CH3 आ गया और इधर CH3 आ गया। अब इसका आईयूपीएसी लिखना है भाई, तो कैसे लिखेंगे भाई, जल्दी जल्दी देखो फटाफट बच्चों, इसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, वही 1 2 3 4 5, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्रीफिक्स क्लोरो मिथाइल मिथाइल, चेन किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, प्रीफिक्स क्लोरो के अकॉर्डिंग, क्लोरो कितना क्लोरो, 2 क्लोरो, ये वाली चेन सिलेक्ट हुई, ये कौन है मिथाइल, ये कौन है मिथाइल, तो ऐसा नहीं लिखेंगे 3 मिथाइल 4 मिथाइल, ना, हम लिखेंगे -3, 4 डाई, डाई मतलब 2 बार मिथाइल, ठीक है, और क्या बोलेंगे, पेंटेन, हम बोलेंगे कि 5 कार्बन की पेरेंट चेन थी जिसमें 2 पर क्लोरो आ रहा था और 3 4 पर 2 बार कौन आ रहे थे, मिथाइल, आ रहा है ना समझ में बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं और देखिए जरा जी, CH3 CH2 Br, अब ये एग्जांपल आ गया, सपोज करो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अभी इसके लिए, इसके लिए भी देख लेते हैं भाई, 1 2 3 1 2 3, जो आपने चेन सिलेक्ट किया उसमें 3 कार्बन है, प्रीफिक्स कौन कौन है, ये मिल गया हमें Br, ये मिल गया हमें मिथाइल, ये मिल गया हमें मिथाइल, तो इसके अकॉर्डिंग ले लेते 1 ब्रोमो - ठीक है, अब इस कार्बन का नंबर है 2, ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल, ठीक है, 3 कार्बन थे तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है, लेकिन अभी क्या बोलना पड़ेगा, 2.2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2.2 क्यों भाई, 2.2 इसलिए कि ये जो कार्बन है ना इस चेन के अकॉर्डिंग, अब इस कार्बन का नंबर 2 है और ये वाला मिथाइल भी कार्बन नंबर 2 से अटैच है और ये वाला मिथाइल भी कार्बन नंबर 2 से अटैच है, ये दोनों मिथाइल ही कार्बन नंबर 2 से अटैच है, तो दोनों की पोजीशन हो गई 2.2, ठीक है। देखिए अभी आप गलती मत कर देना, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कभी आप परेशान हो जाए जरा, अगर ऐसा हो जाता
जैसे ये आ गया, ठीक है। अब जैसे हम 11 एग्जांपल करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जरा देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिथाइल मिथाइल ब्रोमो, तो ब्रोमो के अकॉर्डिंग चेन सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे 1 ब्रोमो। अब हमने क्या देखना है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, डैश डाई डाइमिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या कर लेंगे, ब्यूटेन। नंबर कैसे लेंगे, इस कार्बन का नंबर 3 हो चुका है सर, 2 नियर अबव होगा। अरे 2 से नहीं ले रहे हैं हम सिर्फ, किसके अकॉर्डिंग छांट रहे हैं भाई, ब्रोमीन के अकॉर्डिंग लेना पड़ रहा है ना, क्योंकि मिथाइल ब्रोमो में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन पहले आता है, ब्रोमो। तो ब्रोमो के अकॉर्डिंग चेन ले ली मैंने, 1 ब्रोमो। आओ जरा देखो इसका नंबर 3.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चों जी। देखिए सपोज दैट अगर यहां पीएल आ जाए और चेन में बीआर भी आ, दोनों प्रेजेंट हो, तो फिर कैसे लेंगे, तो उस कंडीशन में बेटा जी हमें करना पड़ेगा क्या, 1 2 3 1 2 3। अब हमें क्या करना है, दोनों प्रीफिक्स हैं, ना कोई डुअल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना एल्कोहल एल्डिहाइड, कुछ भी नहीं है, बस प्रीफिक्स दिख रहे हैं, वो भी कौन, ये क्लोरो। आपको रिंग नहीं करना है, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए करता हूं ये चीजें, बस ये क्लोरो और ये ब्रोमो। तो ब्रोमो आ रहा है ऊपर 1 पर, क्लोरो ब्रोमो में पहले कौन आता है ये बताओ, ब्रोमो क्लोरो आता है, हाँ ब्रोमो आता है। तो ब्रोमो कितने पर आया, 1 पर, बस बात ही खत्म हो जाती है, 1 ब्रोमो। फिर कितने पर आ रहा है क्लोरो, 2 पर, 2 क्लोरो, और 3 कार्बन अगर इसमें है तो हम बोल देंगे प्रोपेन। आया समझ में, नहीं आया तो फिर देख लेते हैं भाई, अभी तो बहुत एग्जांपल है अपने पास। देखिए CH3 BR CH3, आओ भाई लॉन्गेस्ट चेन अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अभी क्या चेक कर रहे हैं अपन, ब्रोमो है, मिथाइल है और क्लोरो है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रोमो को देंगे, सीधी सी बात है। तो अब इस वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 ब्रोमो डैश, कितना चेक करना जरा, मिथाइल भी है क्लोरो भी है, इसका नंबर कितना हो चुका है अब, 3 3 क्लोरो डैश, इसका नंबर भी 3 है, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना बच्चों। नहीं समझ मारा फिर समझाता हूं, जरा तो सोचने की कोशिश करो ना बेटा। देखिए हमें तो चेन ब्रोमो के अकॉर्डिंग लेनी थी, ले ली हमने ब्रोमो के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, इस कार्बन नंबर 3 पर क्लोरो भी है मिथाइल भी है, तो ब्रोमो लिखने के बाद नंबर आएगा क्लोरो का, क्योंकि तो बी के बाद आता है क्लोरो सी, फिर आएगा मिथाइल, ठीक है। और देख लेते हैं, ये समझ में आ रहा है जी, TL BR CH3 I। अब इसका IUPAC लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई इसका IUPAC, देखिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आ रहा है ना समझ में बच्चों, 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने क्या देखा, हमने देखा ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया आइडो, तो किसके अकॉर्डिंग चेन सिलेक्ट करेंगे, चेन सिलेक्ट करेंगे ब्रोमो के अकॉर्डिंग, ब्रोमो इस कार्बन से अटैच है, इसका नंबर ऊपर 2 नीचे 3, तो हमें तो 2 से मतलब है, बस हमें तो 2 से मतलब है, तो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो डैश
टू क्लोरो डैश। अब कौन आएगा? अब मिथाइल एम से स्टार्ट होगा, आयोडीन जो आयोडो है वो आई से स्टार्ट होगा। तो एम और आई में पहले कौन आएगा? आई, ठीक है। तो कितना? थ्री आइडो, थ्री मिथाइल और फोर कार्बन के लिए लिख देंगे ब्यूटेन। आ गया ना समझ में? टू ब्रोमो, थ्री क्लोरो, थ्री आइडो, थ्री मिथाइल, ब्यूटेन। टू आइडो यूज नहीं करूंगा, आप गलत सोच रहे हैं, मैंने चेन ये सिलेक्ट की है, इस चेन से मेरा कोई लेना देना अब नहीं है, ठीक है ना बच्चों? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो आगे चलते हैं। देखिए सपोज करो अगर मेरे बच्चों को दो हैलोजन मिल जाते, अब तक तो वन वन हैलोजन थे, अब अगर दो हैलोजन मिल जाते हैं तो चेन सिलेक्ट कर रहे हैं हम वन, ठीक है। तो अब क्या होगा? कार्बन नंबर तो वन ही है, इसी इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए जरा। ये देखो H, Cl, Cl और ये H, और कार्बन नंबर रहेगा ये वन ही, ठीक है, कार्बन नंबर रहेगा ये वन ही, ठीक, ये कार्बन नंबर वन ही रहेगा। अब क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो, तो वन कॉमा वन डाई क्लोरो मीथेन, वन कॉमा वन डाई क्लोरो मीथेन, कार्बन नंबर वन है, टू क्लोरीन है, तो टू क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो और वन कार्बन के लिए मीथेन। देख लीजिए ऐसे भी हो सकता है CH3, अब ये इसी कार्बन से अटैच हो जाए दोनों, तो क्या होगा? वन टू वन टू, क्या चेक किया? टू कार्बन है। अब चेन किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगी? वन के अकॉर्डिंग, तो वन कॉमा वन डाई क्लोरो टू कार्बन के लिए इथेन। और देख लीजिए, और देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है, अरे वो जीम और विक वाली कंडीशन आ चुकी है अभी, है ना, पर हम आईयूपीएसी में अभी जीम विक का क्या मतलब है, आईयूपीएस तो अपना नॉर्मल ट्रीट करेंगे हम। देखो क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, देखो भाई, वन टू वन टू, इसमें भी टू क्लोरीन है, इसमें क्या आएगा? डाई क्लोरो इथेन, डाई क्लोरो इथेन। अब क्लोरो आ कहां रहे हैं? वन और टू पर, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो लिखेंगे वन कॉमा टू डैश डाई क्लोरो इथेन, डाई क्लोरो इथेन। इस एग्जांपल की तरफ फोकस करो आप जरा, अब आप देख रहे होंगे ये भी डाई क्लोरो इथेन है, ये भी डाई क्लोरो इथेन है, हाँ भैया दोनों डाई क्लोरो इथेन है, बट पोजीशन देखिए आप हैलोजन्स की, यहां दोनों हैलोजन कार्बन नंबर वन से अटैच है और यहां वन टू से अटैच है, ठीक है। और देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जी चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमने? हमने चेक करना है, देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं दो क्लोरीन, तो मैं क्या लिख दूंगा? बस डाई क्लोरो प्रोपेन, अरे मैं लिख दूंगा डाई क्लोरो प्रोपेन भैया, लेकिन ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं मैं कि दोनों जो क्लोरीन है वन टू पर आ रहे हैं, इधर से टू थ्री पर आ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? वन टू क्लोरो का स्मॉलेस्ट नंबर, वन कॉमा टू डाई क्लोरो प्रोपेन। चेक कीजिए जरा अगर आपके समझ में आ रहे हो तो, ठीक है आगे चलते हैं। फिर देखिए जरा बच्चों ध्यान से आप और देख लेते हैं, ये देखिए
कैसे बनाएंगे आईयूपीएसी, आइए देखते हैं भाई कैसे बनेगा आईयूपीएसी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चेक कीजिए जरा क्या चेक कर रहे हैं, क्लोरो क्लोरो, तो लिख देंगे भैया अपन डाई क्लोरो, 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन, डाई क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन ऊपर आ रहा है 2 और 3 पर, अरे जहां कार्बन अटैच है ऊपर 2 और 3 नीचे भी 2 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। और देख लीजिए 20 एग्जाम्पल आइए चुन्नू मुन्नू 20 एग्जाम्पल, बोर तो नहीं हो रहे ना, आइए देखते हैं अभी बहुत एग्जाम्पल्स हैं भाई। CH3 CH2 CL CH2 CL, अब इसको आप बना करके देखिएगा ठीक है। मैं लेता हूं अभी एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है इसको बेटा कुछ ऐसे भी रखा मिल जाएगा हमें, ये CH3 CCl2 CH3 ठीक है। अब इसका IUPAC लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसका IUPAC, आइए जरा 1 2 3 1 2 3 मुझको तो दिख रही है भैया 2 क्लोरीन ये रही, शायद आपको भी दिख रही हो डाई क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे प्रोपेन, डाई क्लोरो प्रोपेन। लेकिन मैंने अभी क्लोरीन का नंबर नहीं बताया है, तो क्लोरीन का नंबर कैसे बताएंगे जरा चेक कीजिए 2.2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2.2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2.2 क्यों, इसलिए 2.2 नहीं कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ना बिल्कुल ना, इसलिए नहीं कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, इसलिए कि चेन एक सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करो ये सिलेक्ट की, इस कार्बन का नंबर 2 हो गया है और ये क्लोरो यहां अटैच है, इससे भी ये वाली भी अटैच है, नंबर 2 है तो ये भी 2 ये भी 2 2.2 डाइक्लोरोप्रोपेन ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, सपोज दैट यहां हमने Cl ले लिया, यहां हमने Br ले लिया, यहां हमने CH3 ले लिया, ये मैं आपके लिए देता हूं ये वाला एग्जांपल 22 आप मुझे क्लियर करेंगे। इसमें मैंने कितने प्रीफिक्स लिए हैं दिखाऊं मैं आपको, कितने प्रीफिक्स लिए हैं मैंने, ये रहा प्रीफिक्स क्लोरो, प्रीफिक्स ब्रोमो, प्रीफिक्स मिथाइल, नंबरिंग करेंगे और प्रायोरिटी किसको देंगे बीआर को ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए फिर देख लेते हैं आगे की तरफ 23 एग्जाम्पल नंबर 23 देखो भाई, हो सकता है 3 हेलोजन आ जाए, CHCl3 CCl CL CL, कितने कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन तो एक ही प्रेजेंट है भैया, लेकिन क्लोरो कितने हैं, देखो क्लोरो कितने हैं 1 2 3 है ना 3, तो बोलेंगे ट्राई क्लोरो मिथाइल मीथेन, सॉरी ट्राई क्लोरो मीथेन 1 1 1 3 टाइम मैंने 1 1 लिखना है, कैसे लिखना है मेरे को 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन, अगर हमारा प्रीफिक्स 1 1 पर आ रहा है तो एक बार लिखो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी लिख करके दिखा सकते हो ट्राई क्लोरो मीथेन। अब यहां आ जाते हैं जरा 24 पर, एग्जाम्पल नंबर 24 CHBr3, पता लग रहा है इसी कार्बन से अटैच है तो लिख देंगे ट्राइब्रोमो मीथेन ठीक है ना। और देख लीजिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल CHI3, क्या लिख देंगे ट्राइआइडो मीथेन, आ गया ना समझ में ट्राइआइडो मीथेन ठीक है।
अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो मैं अब लेने वाला हूं। देखिए प्राइमरी सफिक्स अभी मैंने प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड लिया है, अब मैं डुअल बॉन्ड लेना चाहता हूं, तो चेक करेंगे जरा ये 23 24 25 एग्जांपल्स हो चुके हैं, ठीक है 26 भी चलो मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा भी हुआ CCl4 इसी कार्बन से चार हैलोजन अटैच हो गए तो हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन सिंपल है ना। चलिए हम चलते हैं अब आगे की तरफ ऐसे एग्जांपल। CH2 ड्यूअल बॉन्ड CH CH2 Cl, इसका यूपीएससी लिखना है वही लॉन्ग एक्स चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या करना है हमने, हमने कुछ नहीं करना है भाई। अब इस कंडीशन में आपने मेरी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मेरी एक बात ध्यान क्या रखेंगे आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रीफिक्स भी आ रहा है और प्राइमरी सफिक्स में डुअल बॉन्ड आ रहा है तो आप उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप प्रायोरिटी डुअल बॉन्ड को देंगे, ठीक है, फिर देंगे किसको, अपने प्रीफिक्स को। ये वाली बात भूलना नहीं है बच्चों कि अगर डुअल बॉन्ड आ जाए और प्रीफिक्स भी आ रहे हैं तो प्रायोरिटी डुअल बॉन्ड को देंगे। कौन सी प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं भैया, हम बेटा उस प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि अब चेन का सिलेक्शन प्रीफिक्स से करूं या डुअल बॉन्ड से करूं। तो अब इस सिचुएशन में मैंने जो सिलेक्शन करना है चेन का, पेरेंट चेन का, वो डुअल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे चेक करो जरा, 1 2 चेक कीजिए 1। मैं अब बॉन्ड को ही काउंट कर रहा हूं, मुझे पोजीशन बॉन्ड की क्रिएट करनी है ना, तो मैं बॉन्ड पर ही फिंगर रख रहा हूं अपनी, चेक करो जरा 1 2 इधर से 1 2, तो मेरा डुअल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, इधर से अगर मैं आ रहा हूं तो 1 2 पर आ रहा है, इधर से जा रहा हूं तो 1 पर आ रहा है, तो मैं प्रायोरिटी इस पर, इसके रिगार्डिंग मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपीन, 3-chloropropene, क्या हो जाएगा बच्चों 3-chloropropene। नहीं आया समझ में, मैं और समझाता हूं एग्जांपल लेकर के, देखिए जरा, देखिए परेशान नहीं होना है, सुनो, देखिए जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH dual bond CH CH2 CH2 Br। अब मुझे क्या करना है, देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, चलो नंबरिंग तो यहां भी हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ब्रोमो प्रेजेंट है, डुअल बॉन्ड प्रेजेंट है, प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी देंगे डुअल बॉन्ड को, 1 2 कितने पर आ रहा है अपना डुअल बॉन्ड, 2 पर, 1 2 2 पर आ रहा है, उधर से आओ 1 2 3 1 2 3 इधर से आ रहा हूं तो बॉन्ड 3 पर आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके रिगार्डिंग ब्रोमो कितने पर आ गया, वो दिन गए हैलोजनों के, अब अगर डुअल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर इसके अकॉर्डिंग, डुअल बॉन्ड के अकॉर्डिंग चेन सिलेक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 5-bromo क्या पेंट डैश, कितने पर आ रहा है डुअल बॉन्ड 1 2 2 ईन, आ रहा है ना समझ में, देख लीजिए, ठीक है। और देख लेते हैं भाई, अभी नहीं समझ में आया तो और देख लेते हैं 29, यस एग्जांपल नंबर 29 CH3 CH डुअल बॉन्ड CH Cl CH3। अब करते हैं IUPAC 1
2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 क्लोरो है, डुअल बॉन्ड है। अब डुअल बॉन्ड को देखेंगे भाई हम, 1, 2, 2 पर आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो 4 क्लोरो पेंट 2 पेंटोइन क्लियर है ना भाई? नहीं समझ में आता तो फिर आगे देख लेते हैं, अभी तो बहुत एग्जांपल हम ले लेने हैं। आइए जरा चलिए मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं आप। इसमें मैं यहां ले लेता हूं क्या, इधर H, इधर H और इधर ले लेता हूं Br। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल क्लियर करना है अपना, ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए जरा ध्यान से देखो बच्चों, अभी हमें क्या करना है, अगर ये एग्जांपल हमारे सामने आ जाते हैं तो अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो यहां पर पॉइंट बना है ना, ये वाला, ये यहां ना बेटा कार्बन प्रेजेंट है, यहां बेटा कार्बन प्रेजेंट है, यहां बेटा अभी समझना, यहां भी कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, जहां मैंने थोड़ा डार्क किया ना, देखो ये देखो जरा, यहां कार्बन प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी हमें दिख ही रहा है, तो हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो उसके रिगार्डिंग जरा चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 अब बैक साइड से लेते हैं, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि हमें मिल रहा है ब्रोमो और हमें मिल रहा है डुअल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डुअल बॉन्ड को देंगे, सीधी सी बात है, तो डुअल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो भाई देखिए डुअल बॉन्ड कैसे आ रहे हैं अपना, यहां काम यहां देखते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 2, 3 तो 1, 2 ये बॉन्ड 2 पर आ रहा है, इधर से देखते हैं 1, 2 इधर से देखते हैं ये 1 और ये 2, मतलब डुअल बॉन्ड ने क्या किया, ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया है बेचारा, वो कह रहा है कि अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो या बैकवर्ड आ रहे हो, मेरी पोजिशन तो 2 ही है, अगर डुअल बॉन्ड की पोजिशन 2 मिल रही है बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो एक बार क्यों ना ब्रोमो से पूछ ले, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब कभी आपका डुअल बॉन्ड आपसे बोल दे कि भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर एक बार प्रीफिक्स को चेक कर लेते हैं, प्रीफिक्स क्या कह रहा है कि भाई ऐसे अगर आए तो मैं 4 पर मिलूंगा, इधर से गए तो 1 पर, तो हम 1 ही क्यों ना ले ले, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूट, डुअल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, 2 इन हो गया, ठीक है ना बच्चों, अब आगे देख लेते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इस एग्जांपल को चेक करते हैं जरा भाई, देखिए इसको भी करना पड़ेगा, यही वही जैसे कार्बन, मैं कोई और कलर ले लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने लिया ये, लेते हैं कार्बन 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 और एक ये है, ठीक है, चेक करें नंबरिंग करें भाई, कर दे नंबरिंग, 1, 2, 3 यहां देखो इधर 4, 5 इधर से चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट मिल रहे हैं इसमें, 5, 1, 2, 3, 4 और अब ये देख लीजिए 5, ठीक है, अब डुअल बॉन्ड देखते हैं, 1, 2 देखो 1, 2, 1, 2 टू पोजीशन में मिल रहा है हमें, तो अब ये ठीक है, इधर से क्यों कैसे मिल रहा है, इधर से चेक करते हैं 1, 2, 3 इधर से हमें मिल रहा है 3 पर, 1, 2, 3 ठीक है,
अब यहां में जैसे वो पुराने टाइम में फोन नहीं बुलाते ऐसे वन टू थ्री ऐसे ही सोचो वन तो अभी कहां मिल रहा है टू टू ये देखो वन टू थ्री ये थ्री पर मिल रहा है थ्री पर और ये टू 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 पर मिल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अब लिखेंगे फोर ब्रोमो ठीक है फाइव कार्बन में क्या आएगा टेन टू तीन खत्म 32 एग्जांपल को चेक कर लेते हैं ठीक है वही कंडीशन कार्बन 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 और ये कार्बन ठीक है चलो भाई नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फोर कार्बन है लेकिन ये रह गया भाई आपका ये रह गया तो ये मिथाइल है और ये कौन है भाई ये ब्रोमो है अब मिथाइल ब्रोमो दोनों प्रीफिक्स है तो प्रायोरिटी हम देंगे किसको डुअल बॉन्ड को भाई डुअल बॉन्ड को देखेंगे तो डुअल बॉन्ड हमें कितने पर मिल रहा है कोई डायल करो नंबर वन वन इधर से वन टू थ्री तो वन ठीक है भाई लेकिन मिथाइल ब्रोमो में पहले किसे लिखेंगे ब्रोमो को तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम चेक कीजिए जरा थ्री ब्रोमो ठीक है आइए डैश टू मिथाइल फोर कार्बन आ रहा है तो ब्यूट वन इन अब आप इन का वन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है भाई चलिए आगे चलते हैं जरा अभी हम ये समझ में आ गया आगे देखिए फिर वही कंडीशन कार्बन 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 और ये नंबरिंग कर लेते हैं भाई वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव अब क्या करेंगे वही डबल बॉन्ड देखेंगे वही वन वन टू टू इधर से वन टू थ्री तो भाई ये बेस्ट है क्या करेंगे देखिए फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल ठीक है और फाइव कार्बन है तो अब क्या लिख देंगे पेंट टू पेंटोइन है ना अब इधर आते हैं जरा वही इधर वही कॉम्बिनेशन इधर भी कार्बन 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 और कार्बन बैक चलते हैं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन वन टू टू इधर से वन टू तो डुअल बॉन्ड ने तो फिर ऐसे कर दिया है कि भाई फॉरवर्ड जाओ बैकवर्ड जाओ अपन तो टू पर ही आने हैं इधर से भी टू पर आ रहा है इधर से भी टू पर आ रहा है तो अब देख लो ब्रोमीन ब्रोमीन इधर से आ रहा है फोर पर इधर से आ रहा है वन पर तो लिखेंगे वन ब्रोमो मैं वन ब्रोमो क्यों लिख रहा हूं क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे डुअल बॉन्ड ने बोला है कि आप फॉरवर्ड बैकवर्ड जाओ उसको फर्क नहीं पड़ रहा है वो तो टू पर ही आ रहा है तो इस सिचुएशन में हम अपने प्रीफिक्स को देखेंगे भाई हमारा प्रीफिक्स इधर वन पर आ रहा है तो वन ब्रोमो कितना डैश टू मिथाइल फोर कार्बन यूज किए हैं तो ब्यूट ब्यूट टू इन दैट्स इट आ गया ना समझ में चेक कर लीजिए अच्छे से जरा ओके आ गया हो तो फिर देखते हैं अगले एग्जांपल्स ये करना है आपको यहां देखते हैं वन टू थ्री और कार्बन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री वन टू थ्री आपके मन में एक बात आ रही होगी आप सोच रहे होंगे सर ऐसा करते हैं वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री देखिए वन टू थ्री अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इसके रहने की बारी आ जाएगी हेलोजन्स की अब इसको ब्रोमो मिथाइल बोलना पड़ेगा फिर
तो हम ऐसा करते हैं ना कि सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ देते हैं मिथाइल को, हम ऐसा लेकर के चलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम ऐसे 1 2 3 लेकर के हम ऐसे आ जाएं 1 2 3 तो डुअल बॉन्ड रह जाएगा और रूल के अकॉर्डिंग चेन में हमने डुअल बॉन्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, देखिए डुअल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, 3-bromo-2-methyl और कितने कार्बन मिले, 3-prop-1-ene या propene हो गया, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपने। चलिए भाई, जैसे आप लोगों को अगर ये मिल जाए, ठीक है, अब इसमें मैं यहां पर सीएल लगा देता हूं, तो कौन है ये अब अगर सीएल लगा देता हूं मैं, तो ये होगा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। सपोज करो अगर हम ले लेते हैं ये ऐसे ही, भाई ये तो साइक्लो हेक्सेन हो गया, और अब हम इसमें यहां ले लेते हैं बीआर, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा ना, ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। और ले लेते हैं एग्जांपल, सपोज करो कि ये अब हमें मिल जाए, ये कौन है, ये है बेटा साइक्लो हेक्सीन, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर सीएल लगा देता हूं, तो अब कंडीशन क्या होगी, अब कंडीशन चेक करते हैं, 1 2 3 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है क्लोरो, 3 पर, तो लिखेंगे 3-chloro-cyclohexene आ रहा है ना समझ में। और देख लीजिए बेटा, सपोज करो कि अगर हमें एग्जांपल मिल जाता है ये वाला, यहां CH3 आ जाता है और यहां BR आ जाता है, तो क्या करेंगे अपन, अब BR ब्रोमो हो गया, वो मिथाइल हो गया, तो नंबरिंग कर लेते हैं, चलो 1 2 1-bromo-2-methyl-cyclohexane अब मैंने हेक्सीन नहीं लिया, डुअल बॉन्ड होता तब मैं हेक्सीन लेता, आगे ना समझ में आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। जी यहां चेक करते हैं जल्दी जल्दी, ये हमारा हो गया सीएल, कौन है ये है क्लोरो बेंजीन, और अब ये कौन है, यहां देखिए इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, देखिए यहां हमें मिल रहा है 1-2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और देख लीजिए जरा, और आते हैं, सीएल सीएल क्या हुआ, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 4 वन और फोर पर आएंगे ये लोग, तो क्या लिखेंगे, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, है ना। चलिए और आगे देख लेते हैं, जी बेटा आइए, सपोज करो कि अगर यहां पर
आपका सीएल लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है सीएच थ्री। अब बेंजीन पर आ गया क्लोरो और मिथाइल, तो देख लो एबीसीडी के अकॉर्डिंग, क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे क्या, 1-chloro-2-methyl-benzene, 1-chloro-2-methyl-benzene। अब आप चाहते हैं कि हम तो क्या करेंगे, इधर सीएल हो जाता है और सपोज करो इधर सी एच थ्री हो जाता है, तो क्या होगा आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम बनाएंगे भाई 1-2-3-4, 1-chloro-4-methyl-benzene, 1-chloro-4-methyl-benzene। और देख लीजिए जरा, अभी रिंग बना लेते हैं अच्छे से, इधर ले लेते हैं सीएल, तो क्या करेंगे अपन, देखिए क्लोरो कहां से स्टार्ट होगा, 1-2-3, 1-chloro-3-methyl-benzene। और देख लीजिए जरा आगे चलते हैं, जी बेटा अभी देख लेते हैं इसको, ये हो गया Cl और ये हो गया अपना NO2। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे वो क्लोरो वो नाइट्रो, तो क्या करेंगे, तो IUPAC लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, 1-2-1-chloro-2-nitro-benzene, 1-chloro-2-nitro-benzene। और देख लीजिए, अगर ये रिंग बन गई ऐसे और यहां NO2 आ गया, तो क्या करेंगे अपन, 1-chloro-4-nitro-benzene, 1-chloro-4-nitro-benzene। और देखिए रिंग बनाते हैं पहले हम अच्छे से जी, अब क्या करना होता है, यहां बी यहां सीएल ले लेते हैं ठीक है, और एनओ टू ले लेते हैं इधर, तो क्या होगा, 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-chloro-3-nitro-benzene। आगे ना बेटा समझ में, ऐसे बनेंगे ये सारे के सारे नेम्स ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नई वीडियो में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। और आईयूपीएसी जो भी एनसीईआरटी में है वो एक्सरसाइज जब हम लोग कराएंगे वो एग्जांपल्स और हम बहुत सारे लेंगे ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।